दस दिए कि एस जी पी सी वालों अज बजट पेश किया जाएगा। अज एस जी पी सी का बजट इजलास है, साल 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। अज एस जी पी सी का इजलास जिसको लैके 30 मार्च 31 मार्च तो पहले बजट जरा पास करना होंगे। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ हैड होंगे है, जनरल बोर्ड होंगे, एजुकेशन का हैड होंगे, साढ़े ट्रस्टा होंदिया धर्म प्रचार फंड देंगे है, श्रोमणी कमेटी का अपना जरा कुछ फंड होंगे है, वह सारे तरतीब जी दी जाती। गुरद्वारा साहबान साढ़े जड़े है उन्होंने जोड़े 85 के गुरद्वरे है उन्होंने धर्म प्रचार फंड भी होंगे 25%। इदा ही एजुकेशन का फंड लाया होंगे क्योंकि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट केवल तो केवल संगतों उत्ते डिपेंड करते, श्रद्धालुओं पर डिपेंड करते, उन्हां दी माया मत्था टेकी हुई श्रद्धा दे नाल उही साडी आमदन है, जो साडियां जायदादां हन, साडियां जमीनां हन, साडियां कोई दुकानां हन, उन्हां शॉप्स दे विच्चों जो किराया हुंदा उह साडी आमदन है, जो जमीनां दी वट्टक आउंदी है उह साडी आमदन है। होर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की कोई किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं होंगी, कोई बिजनेस ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं होंगी जितों कि आमदन आनी। सो बजट पेश किया जाएगा और ज़्यादा जानकारी लिए सीधा चाल दें मनजिंदर ने साढ़े न गलबात अमृतसर एस जी पी सी दे दफ्तर के बाहर तो मौजूद ने। और मनजिंदर जानना चाहवागे अगर गल की जाए तो किन्ने क बजे शुरुआत होएगी बजट इजलास की, कि कुछ समा है तो कि कुछ खास जानकारी है। जी जो दसन चाहना कि अज अमृतसर जो एस पी सी का जो बजट 2021-22 लैके जो जलास बजट पेश होगा तो दफ्तर बाहर मैं मौजूद है, क्या तैयारियां की जा रही क्योंकि समा जो 11 बजे तो बजट जो स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे तो बाद जो मीडिया के ना राबता किया जाएगा कि इस बजट के कई अहम गल भी हो सकता है क्योंकि 2021-22 लैके इस बजट किया जाएगा। सब तो वही गल गरजोत आ रही है कि श्रोमणी अकाली दल प्रधान बीबी जगीर कौर होर सकत्तर की गवाही के हेठे जिहड़ा कि बजट पेश होना वा, पर सब तो वड्डी गल इह आ रही कि बीबी जी दे कल बाइट जिहड़ी मीडिया दे नाल राबता कीता उहनां दे नाल गलबात कीती उहनां दे नाल, उहनां दा इह कहिणा कि इह सारा बजट दा कई असर कई करोना दे काल करके भी पिया होया क्योंकि करोना दे काल करके आमद जिहड़ी गुरद्वारां दे विच घट गई सी, पर जिहड़े गुरद्वारे दे रहिमत है दीआं जिहड़ियां कारवाइयां जां मुलाजमां दे जिहड़े खर्चे ने उह असीं बिल्कुल तरीके दे नाल कीते आ, पर इह बजट सारा हुंदा क्योंकि कई श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों होस्पिटलां जां होर लंगर सेवावां जिद्दां सिंघू बार्डर के उत्ते कई किसान बैठे ने उत्थे भी लंगर की सेवावां बड़ियां मोटे तरीके नाल चल रही ने, ते इहदे विच कि जिथे मुसीबत पैंदी है ते श्रोमणी अकाली दल जां एस पी सी दे जिहड़े वर्कर ने उत्थे पहुंच जांदे ने, ते इस बजट दे विच 2021 नूं बजट नूं लैके काफी इहदे विच चर्चा हो सकदी है, ते इहदे विच जे गल कीती जावे करोना काल दी करोना कर करके भी गुरद्वारे दे विच ते इहदी जिहड़ी टाइमिंग आ उह 11 बजे तों लैके 1 बजे तक चलेगी, ते 1 बजे तों बाद जिहड़ा कि मीडिया दे नाल राबता कीता जाएगा। जी गुरजोत बिल्कुल मनजिंदर अगर गल कीती जावे तां 2 घंटे दे करीब जिहड़ा कह सकते हां कि समा रहेगा बजट का, पर कुल मिला के जिवें गल की जाए जिवें तुसीं दस रहे हो कि बीबी जगीर कौर ने गलबात की मीडिया के नाल, उन्होंने कहा कि मुख्य जिहड़ा फोकस रहेगा वह एक तो सिखी के प्रचार रही रहेगा और गुरुद्वारे की सांभ संभाल रही रहेगा। कहा जा सकता है कि बजट के विच एक वड्डा जिहड़ा अमाउंट हैगा वह रखा जाएगा इहदा सब कम्मां दे लई। जी बिल्कुल गुरजोत, जिहड़ा बीबी जी ने कहा कि गुरुद्वारे की सांभ संभाल तो उहदे विच वड्डी अमाउंट रखी जाएगी क्योंकि बीबी जी के आउण दे नाल काफ़ी उन्होंने सुधार किए गुरुद्वारे भी, काफ़ी जिदा गुरुद्वारे काफ़ी जी डिवेलपमेंट की है तो उन्होंने होर मोटी है कि जो जो होर जे लोगों की श्रद्धालुओं की जी चर्चा होगी उस उत्ते भी गलबात भी की जाऊगी, लोगों के सुनेहे भी किए जा रहे हैं, पर गुरुद्वारे की सांभ संभाल वास्ते ये वड्डी अमाउंट का भी दान कर सकता। बाकी ये कि 1 बजे तो जो बाद पता लगेगा कि इस 2 घंटे की जी मीटिंग आ जो 2021-22 का इजलास बजट आ की होर गल्लां अहम होंदियां क्योंकि हुण 11 बजे तो बाद जिहड़े 77 जां होर वर्कर ने जां होर जिहड़े मैंबर इहदे विच मौजूद होणे ने उह 11 बजे तक पहुंचणे चालू हो जाणगे। जी गुरजोत जी बिल्कुल। सो आखिरला सवाल है मनजिंदर, होर इस तों ज़्यादा की कुछ जानकारी है, तुसीं दफ्तर दे बाहर मौजूद हो, होर सारे मैंबर जिहड़े ने उह मौजूद रहणगे लगभग क्योंकि बजट इजलास हुंदा और उस दे मौके ते सारे ही मैंबर जिहड़े ने उह लगभग हाज़र हुंदे ने। जी बिल्कुल गुरजोत, कई आसा जी वर्करा ने भी लगाई होंगे इस बजट के क्योंकि काफ़ी वाला जो बजट होंगे 2021-22 का बजट जरा काफ़ी वाला बजट है तो वही काफ़ी मौड़ हो सकती, दफ्तर की जी तैयारी की जा रही है क्योंकि जितने एक वर्कर है जरा क्योंकि इस
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇ 77 ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਬਜਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 77 ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ SGPC ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ